हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग पढ़ होंगे। तो गाइस, क्या आपके पास ओप्पो रेनो 10 मोबाइल है? जी गाइस, अगर आपके पास ओप्पो का रेनो 10 मोबाइल है और आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही है, हमारा मोबाइल काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज होने लगा है, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग शेयर करने वाला हूँ जिससे आपके डिवाइस की चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा एनहेंस एंड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको क्या करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना है एंड वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप ही बाद में कमेंट करोगे कि अभी भी हमारा डिवाइस स्लो चार्ज हो रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको एक से के भी सेटिंग बताने वाला हूं। आपका सवाल कुछ भी हो सकता है कि हमारा मोबाइल जितना ओल्ड होता जा रहा है ऑटोमेटिक चार्जिंग स्पीड है डाउन होती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज होने लगा है, या आपका सवाल हो सकता है कि हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है ऑटोमेटिक स्लो चार्ज हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर आपका सवाल कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, फिर आपको सेटिंग में ले जाकर चलने वाला हूं। जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाते हो आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहती हैं कि ऑफ रहती हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर ही आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और आपके बैकग्राउंड में रन करने लगता है, जिसकी वजह से आपकी चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो आप जब भी मोबाइल को चार्ज पर लगाते हो आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीनों चीज़ को आपको ऑफ करके ही मोबाइल को चार्ज पर लगाना है। एंड गाइस यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं, जैसे आप किसी की परमिशन देते हो तो आपका लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ऐसे आपका वाईफाई, ब्लूटूथ भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को ऑन करके ही मोबाइल को चार्ज पर लगा देते हैं, तो ये भी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज पे लगा के कॉलिंग वगैरह करने लगते हैं। गाइस यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आपका मोबाइल चार्ज पे लगा होगा, अगर उस कंडीशन में अगर आप रन कराओगे, भले ही वो कॉलिंग कर रहे हो या चार्जिंग कर रहे हो या गेमिंग कर रहे हो, उस कंडीशन में आपका बैटरी बैकअप तो खराब हो ही जाएगा, दूसरी बात है आपका डिवाइस है काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज होगा, यहाँ तक कि चार्ज ही नहीं होगा। डाटा ऑन करके मोबाइल को चार्ज करोगे तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, पूरी तरह से मोबाइल ऑनलाइन हो जाता है, नोटिफिकेशन वगैरह हर टाइम आते रहते हैं, जिससे आपकी बैटरी भी साथ ही साथ ड्रेन होगी और आपका मोबाइल चार्ज ही नहीं होगा। तो हमेशा इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रख करके रखना है। अब सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। जैसे कैसे यहाँ पर सेटिंग में आ गई, सेटिंग में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे बैटरी पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको चेक करना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपको मोर बैटरी सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहली बात आपको एक सेटिंग मिलती है हाई परफॉर्मेंस मोड, तो आपको चेक करना है कि आपका मोबाइल हाई परफॉर्मेंस मोड पर रन तो नहीं कर रहा है। ये अगर आपका ऑन है तो आपको इसे ऑफ करके ही मोबाइल को चार्ज पर लगाना है या यूज करना है। हाई परफॉर्मेंस मोड में आपकी बैटरी भी जल्दी ड्रेन होती है, दूसरी बात आपका डिवाइस स्लो चार्ज होने लगता है, क्योंकि आपका मोबाइल हाई परफॉर्मेंस मोड में रन करता है तो चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्लो हो जाती है। एंड कहीं यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको ऑप्टिमाइज बैटरी यूज का, तो आप इसे यूज कर सकते हो बैटरी अगर जल्दी ड्रेन होती है तो। एंड तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग, ये कैसे आपके डिवाइस में ऑफ होगा बट इसे आपको ऑन कर देना है। भले ही यहाँ पे इसमें लिखा है ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग, बट मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग का मतलब ये है, इसका मतलब अगर आप मोबाइल को कितनी भी देर चार्ज पर लगाते हो, एक चीज़ बताना चाहूँगा ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग से क्या होता है, आपका मोबाइल आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करता रहता है और चार्जिंग स्पीड को स्लो होने नहीं देता है, इससे ये फ़ायदा हो जाता है। भले वो नेक देर लगाओ, ज़्यादा देर लगाओ, इसका मतलब होता है नेट चार्जिंग का मतलब अगर आप चार्ज लगा के सो गए हो उस कंडीशन में ये आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज रखता है, तो इसे आपको ऑन करके ही मोबाइल को चार्ज पर लगाना है। आपकी चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा इनहेंस रहती है इससे और आपका फास्ट मोबाइल चार्ज होता है। सिंपली आपको आ जाना है बैक। गाइस यहाँ पर अब मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगा 2 से 3, जिससे आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात, जब भी आप मोबाइल को चार्ज पर लगाते हो आपको हमेशा रीसेंट मेनू पर क्लिक करना है और जो भी चीज़ आपने यूज की है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गेम वगैरह खेला कुछ भी, यहाँ से आपको क्लोज ऑल करने के बाद ही मोबाइल को चार्ज पर लगाना है, उस कंडीशन में आपका डिवाइस फास्ट चार्ज होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, किसी भाई का सवाल था अपडेट के बाद हमारा मोबाइल स्लो चार्ज हो रहा है, सेटिंग में जाकर अपडेट वाले सेक्शन में जाना है और आपको चेक करना है दूसरा कोई अपडेट आया है, अगर आ चुका है तो आपको उस अपडेट को भी कर लेना है। कभी कभी अपडेट में बग आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने को मिलते हैं, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है और नेक्स्ट अपडेट में वो बग हैं फिक्स हो जाते हैं और आपकी चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है दोबारा से। एंड गाइस यहाँ पर किसी व्यक्ति का सवाल था हमारा मोबाइल जितना ओल्ड होता जा रहा है ऑटोमेटिक चार्जिंग स्पीड है डाउन होती जा रही है। सबसे पहली बात आपको चेक करना है कि आपका फोटो, वीडियो एंड एप्लीकेशन, फालतू की जितनी चीज़ें हैं आपको डिलीट करनी है, क्योंकि कहीं यहाँ पर आपका डिवाइस पर जितना स्टोरेज पर लोड होगा, स्टोरेज जितनी भरी होगी ऑटोमेटिक आपकी चार्जिंग स्पीड डाउन होती जाएगी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी कोई भी मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता है, फास्ट चार्ज होता है या फास्ट चार्जिंग दिखाता है, उस मोबाइल पर कोई भी लोड नहीं होता, 1 से 2 एप्लीकेशन वो रन करते हैं अंततः स्कोर वगैरह चेक करने के लिए, बट उनके डिवाइस पर कोई लोड नहीं होता, कोई एप्लीकेशन नहीं होता, जिसके कारण चार्जिंग स्पीड है उतनी ही दिखाता है। बट आपको क्या करना है, फालतू की चीज़ें हैं उन्हें आपको डिलीट करना है, फालतू की फोटो वीडियो भी डिलीट कर देने हैं, इससे आपकी स्टोरेज कम हो जाएगी, आपका डिवाइस लाइट मोड में आ जाएगा, चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा इनहेंस एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एंड गाइस यहाँ पर
इस सेटिंग को फॉलो करना है जो मैंने आपको ट्रिकें बताई हैं, एंड कुछ एप्लीकेशन होंगे जो बड़े एप्लीकेशन हो सकते हैं गेम वगैरह, उन पर आपको क्लिक करना है, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है एंड स्टोरेज यूज पर क्लिक करना है और क्लियर ऑल डाटा कर देना है। आपका वो क्लीन हो जाएगा एप्लीकेशन, पर्टिकुलर एप्लीकेशन, और आपका चार्जिंग स्पीड एनहेंस रहेगी। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको इमरजेंसी इस्तेमाल में अपने डिवाइस को फास्ट चार्ज करना है तो आप एरोप्लेन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपकी सिम सर्विस भी ऑफ हो जाती है और आपकी चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो अगर ये थी कुछ सेटिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।